हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्वामी आत्मानंद शिक्षक भर्ती 2022 के लिए कुल 31 पद के लिए विज्ञापन जारी हो गए हैं। जिला जशपुर के लिए है और हिंदी माध्यम की भी इसमें कुछ पोस्ट रहने वाले हैं। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक के पोस्ट हैं और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू और परसेंट के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इस पीडीएफ में आवेदन पत्र नहीं दिया गया है, तो आपको आवेदन कैसे करना है और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कौन से पोस्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के हैं और सभी जिले के अभ्यर्थी इसके लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए भर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले बलरामपुर जिले के लिए भी और भी बहुत से वैकेंसी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुमूल्य जॉब की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल के लिए एक और विज्ञापन जारी हो गई है। यह स्वामी आत्मानंद स्कूल जशपुर के लिए विज्ञापन है। इसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इससे पहले इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें बहुत से पोस्ट बच गए थे, उसी का पुनः इसमें विज्ञापन जारी किया गया। इसमें नई विज्ञापन नहीं है, जो रिक्त पद बच गए थे उसी के लिए विज्ञापन है। तो इसमें इस जिले में यह स्कूल जो संचालित है इन्हीं के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो इसका डिटेल में हम विवरण देख लेते हैं। तो इसमें व्याख्याता के पोस्ट हैं, भौतिक के टोटल 4 पोस्ट हैं, सामाजिक अध्ययन के लिए 3 पोस्ट हैं और वाणिज्य के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं। यह स्कूल का विवरण आपको यह दिया गया है, इसी स्कूल के आधार पर यह पोस्ट निकाले गए हैं। इसी के साथ साथ व्याख्याता के साथ इसमें शिक्षक के लिए भी पोस्ट हैं। इसमें अंग्रेजी माध्यम के लिए हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वह आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए टोटल 5 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें 1 और 3 पोस्ट निकाले गए हैं। आप ध्यान रखेंगे इसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम वाले भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें साफ अंग्रेजी के लिए लिखा हुआ है, हिंदी माध्यम के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सहायक शिक्षक के लिए भी पोस्ट हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित के लिए 1-1 पोस्ट हैं सभी स्कूल के लिए। तो इसमें टोटल 5 पोस्ट हो जाएंगे सामाजिक विज्ञान के लिए और गणित के लिए 1 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद व्यायाम शिक्षक की बात कर लें तो व्यायाम शिक्षक के लिए भी इसमें टोटल 4 पोस्ट निकाले गए हैं, स्कूल का विवरण यह दिया हुआ है। इस प्रकार से शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के इसमें टोटल 31 पोस्ट जशपुर जिले में बचे थे, उसके लिए पुनः विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए डिटेल में विवरण देख लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या लगेंगे, कैसे इसकी योग्यता रखी गई है। तो इसमें व्याख्याता की योग्यता की बात कर लें तो अंग्रेजी माध्यम में स्कूल शिक्षा पूरी अंग्रेजी माध्यम से पास होनी चाहिए, हिंदी माध्यम के पोस्ट के लिए अंग्रेजी माध्यम बाध्य नहीं होगी। इसमें व्यावसायिक शिक्षा बीएड होनी चाहिए और इसमें शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय, जिस भी विषय के लिए पोस्ट निकला है उससे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन देख लें तो इसमें भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, अंग्रेजी माध्यम पास होनी चाहिए, व्यावसायिक योग्यता बीएड मांगी गई है और शैक्षणिक योग्यता इसमें 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन आपकी संबंधित विषय में होनी चाहिए। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम, इसमें अंग्रेजी के लिए जो पोस्ट है वह हिंदी माध्यम के छात्र आवेदन कर सकते हैं, बाकी के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए है। इसके बाद सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पोस्ट हैं, इसमें अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल पास होनी चाहिए, बीएड, डीएड, डीएलएड इसमें व्यावसायिक योग्यता है तो आप इसके लिए भर सकते हैं, 50% अंक के साथ 12वीं अंग्रेजी माध्यम में पास होनी चाहिए और इसमें विषय भी दिया हुआ है गणित और सामाजिक विज्ञान होनी चाहिए। इसके बाद व्यायाम शिक्षक के लिए भी पोस्ट हैं, इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी मांगी गई है और शैक्षणिक योग्यता इसमें 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन मांगी गई है और बीपीएड और एमपीएड होनी चाहिए। इस प्रकार से इन सभी पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में बता दी गई हैं। अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको इंटरव्यू में उपस्थित होना है। यह सभी पोस्ट संविदा माध्यम के भर्ती की जानी है। इसमें अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, चाहे आप किसी भी जिले से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें शिक्षक और व्यायाम शिक्षक पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं, किंतु इसमें सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी पोस्ट के लिए इसमें सभी जिले के अभ्यर्थी भर सकते हैं, बस इसमें शिक्षक और व्यायाम शिक्षक में इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इसमें अभ्यर्थी सरगुजा संभाग के नहीं मिलते हैं तो अन्य जिले पर इसमें विचार किया जाएगा। सहायक शिक्षक पद के लिए केवल सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, तो यह भी आप इसके लिए ध्यान रखेंगे। इसके लिए आयु सीमा की गणना 1 सितंबर 2022 के अनुसार
की जाएगी जिसमें 21 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। इसमें वर्गवार 5 वर्ष की छूट दी जाती है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें आपका साक्षात्कार में न्यूनतम आपको 50% अंक लाने होंगे। तो इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी यह देख लें तो 10वीं का इस प्रकार से परसेंट के आधार पर यह मार्क दिए जाएंगे। 12वीं और स्नातक और स्नातकोत्तर का भी दिया हुआ है। सहायक शिक्षक का शैक्षणिक योग्यता का 90% लिया जाएगा और शिक्षक का भी 90 और व्याख्याता के लिए भी 90 लिए जाएंगे और 10% का इसमें आपका इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू और शैक्षणिक योग्यता का मिला के आपको मेरिट सूची बनाया जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बात कर लें इसके लिए कैसे सिलेक्शन होगा, तो सभी पोस्ट के लिए आपको इसमें दिया गया है। जैसे 28 तारीख के लिए व्याख्याता के लिए आपको 28 को उपस्थित होना है, शिक्षक के लिए आपको 29 को उपस्थित होना है और सहायक शिक्षक के लिए आपको 30 तारीख को उपस्थित होना है। एड्रेस दिया गया है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जसपुर। इसी दिन आपको जो डेट दिए गए हैं इसी एड्रेस पर आपको उपस्थित होना है। तो इस समय आपको क्या क्या लेके जाना है यह देख लें तो इसमें आपको 12 बजे से उपस्थित होना है और सभी दस्तावेज की मूल प्रति और छाया प्रति आपको अपने साथ लेके जाने होंगे। इस पीडीएफ में आवेदन पत्र नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको साक्षात्कार के समय ही उपस्थित होना है। पूरी दस्तावेज आपको मूल प्रति और छाया प्रति ले जाना है, वहीं आपको सत्यापन कराना है, वहीं आपको कुछ मिलेगा उसमें लिखकर आपको सत्यापन कराना है, फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार से इसके लिए पूरी सिलेक्शन की जाएगी। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी बता दी गई है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।